नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। दीपावली पर्व पूरे देश के साथ साथ संस्कार धानी में भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दीपावली पर्व के दूसरे दिन भाई दूज एवं द्वितीया मनाई जाती है। सूर्य ग्रहण की वजह से इस साल लोगों ने भाई दूज का पर्व दीपावली के तीसरे दिन मनाया। बहनों ने शुभ मुहूर्त पर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की। ईश्वर से प्रार्थना की प्रणाली खता है। यहाँ मान्यता है कि सूर्य की पुत्री यमुना ने अपने भाई यम को भोजन कराकर उन्हें तिलक लगाया था। तब यम ने बहन यमुना को वरदान मांगने को कहा था। यमुना ने यम से वरदान मांगा था कि इस दिन भाई दूज बना दे। उन्होंने यम से मांगा कि आज के दिन जो भी भाई बहन के घर जाकर भोजन करेगा, बहन से तिलक लगाएगा, वही लंबी उम्र के आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। दीपावली दूसरे दिन भाई दूज मनाया गया था, पर ग्रहण पड़ने के तीसरे दिन मनाया गया है वो भाई दूज। क्या क्या किया आपने? मैंने भाइयों को टीका लगा के मिठाई खवाया है। आपका नाम? रोशनी सिंह चौहान। मुझे बहनों ने टीका लगाया है और दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण पड़ने के कारण भाई दूज तीसरे दिन मनाया गया है। और मैंने अपनी बहनों का टीका लगवाकर बहनों से अपना आशीर्वाद लिया है और उनको हमेशा ये वचन दिया है कि मैं उनकी हमेशा रक्षा करूँगा। शिवम कुमार सोनी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।